मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे ऑडिट के रिवीजन का टॉपिक है। जी हाँ, हम लोग ऑडिट में बात कर रहे थे और हमारी बात रिवीजन में चल रही थी। चैप्टर नंबर 11 लास्ट अपन ने कर लिया था, चैप्टर नंबर 12 अपने को करना था जिसका रिलेशन था बैंक ऑडिट से। तो बैंक ऑडिट के ऊपर अपन कुछ डिफरेंट टाइप से बात करने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ छोटे चैप्टर्स जो बचे हुए हैं उनके ऊपर बात हमारी खत्म कर लेते हैं। और उन छोटे चैप्टर्स में, जो छोटे जरूर है लेकिन एग्जाम के हिसाब से बहुत जोरदार चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उनमें से एक अपने पास में है, चैप्टर नंबर 13A। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, देखिए स्टडी मैट में आपका चैप्टर नंबर 13 है जिसमें काफी सारी चीजें हैं। तो उनको मैंने यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मेरी बुक के अकॉर्डिंग, मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। 13A हमने ले लिया है ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज का। सेम उसी तरीके से 13B जो है वो गवर्नमेंट ऑडिट का रहेगा, और 13C अपना जो है वो फिर अपना कॉपरेटिव सोसाइटीज का और LLP के ऑडिट का हो जाएगा, बराबर। चलिए जी, तो जैसा आप लोग देख रहे हैं इस वक्त कि जब हम लोग रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पे मैंने एक छोटा सा चार्ट आपको दे रखा है। कुछ पॉइंट्स वहां पे लिखे हुए हैं, जनरल कंसिडरेबल पॉइंट फॉर स्पेशल ऑडिट। जब डिफरेंट एंटिटीज की ऑडिट की जाती है जिनमें होटल है, स्कूल कॉलेज है, सिनेमा है, हॉस्पिटल है, क्लब है, तो काफी सारे पॉइंट्स हम लोग मेनली यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट है जिनको कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं कि अगर आप ज्यादा कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी याद कर रहे हैं तो इनको अगर आप ढंग से पढ़ करके चले जाते हैं तो इनसे हमारे पॉइंट्स का डिटेल जो है वो बन जाएगा, बराबर। पॉइंट्स का डिटेल जो है वो इससे बहुत आराम से आप लोगों का बन जाएगा। आइए तो सबसे पहले इन पर बात कर लेते हैं। तो जैसा आप लोग वहां से देख भी पा रहे हैं कि सबसे पहले नंबर पे अपने लिया है होटल का, है ना। कि अगर हमको होटल का ऑडिट करना है तो उसके लिए सबसे पहले कुछ जनरल पॉइंट अपने लिखे, और जनरल पॉइंट में सबसे पहले नंबर पर ये फाइंड आउट कर लीजिए कि ये जो है ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर कंपनी है ना। तो ऑडिट प्रोग्राम जब आप बनाएंगे लिखने के लिए आएगा तो भाई ऑडिटर हैव टू फाइंड आउट, या ऑडिटर हैव टू चेक वेदर इट इज पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी, यानी इसका काम करने का जो मोड है वो क्या है, ठीक है। इसका आप कह सकते हैं कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ है, पार्टनरशिप में हुआ है या फिर कंपनी फॉर्म में हुआ है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप में हुआ है तो बट ऑब्वियस है कि आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसा आप लोग देख रहे हो पार्टनरशिप डीड जो है वो अपने को पढ़नी पड़ेगी। और उसी तरह से अगर कंपनी फॉर्म में है तो हम मेमोरेंडम और आर्टिकल जो है उनको चेक करेंगे, अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है इनकम वाली साइड पे, अगर देखना हो अपने को तो इन जनरल आप लोगों को पता भी है कि होटल की इनकम के लिए क्या क्या चीजें देखी जाएंगी। तो रूम रेंट हमने देख लिया, और रूम रेंट देखने का तरीका हमारे पास में क्या होगा कि बट ऑबियस रूम का रजिस्टर हमारे पास में मेंटेन है, तो उस रजिस्टर से हम लोगों ने इसको चेक कर लिया, ये ध्यान में रखना था, ठीक है। फिर उसके अलावा जो रिसिप्ट दी होगी तो रिसिप्ट बुक आप लोग चेक कर सकते हैं, देन कैश बुक हम लोगों ने चेक कर लिया, सिंपल से पॉइंट है। तो इनको आप वहां लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दोगे, है ना, कि भाई ऑडिटर शुड वेरीफाई, ऑडिटर शुड वाउच रूम रेंट थ्रू रूम रजिस्टर, इस तरह से पूरी लैंग्वेज जो है वो हमारी वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर होटल के अंदर रेस्टोरेंट इनकम हमने देख लिया, तो रेस्टोरेंट इनकम के लिए भी सेम हमारा वही है, बिल हमारे पास में, उसके अलावा रिसिप्ट बुक हमारे पास में, किचन ऑडिट टिकट। आप लोगों ने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा कि जिस वक्त में एक पर्सन जो आपसे ऑर्डर लेता है तो बस, बट ऑब्वियस ऑर्डर लेने के बाद में वो क्या करता है, वो जो ऑर्डर का कॉपी वो तीन जगह पे रहता है, उसके खुद के पास भी रहता है, एक किचन के अंदर जाता है और एक जो है वो रहता है कैश काउंटर के पास में जहाँ पे बिलिंग होती है ना। और शाम के वक्त में जब सारा काम खत्म हो गया उनका तो वो मिला के देख लेते हैं कि किचन ऑर्डर टिकट कितने अंदर गए, कि भी कितने आइटम्स बनने के लिए आए थे हमारे पास में, और बाहर बिलिंग कितने का हुआ है, आपस में मैच करके हम लोगों ने देख लिया, तो वो भी अपने को देख लेना चाहिए। फिर होटल में नाउ टाइम इनकम का एक बड़ा सोर्स जो है वो बैंक्वेट हॉल भी है, जैसा आप लोग देख रहे हो। तो बैंक्वेट हॉल के लिए जो बुकिंग का रजिस्टर, मेन चीज वहां पे अपने पास में बुकिंग का रजिस्टर होगा तो वो देख लेना चाहिए। देन बिल है, रिसिप्ट बुक है वो देखी जा सकती है, कैश बैंक बुक देखी जा सकती है। तो मैंने तीन आइटम यहाँ पे लिए, तो ये 6 से 7 नंबर का, 8 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है, तो हर एक में इतने आइटम्स अपन ने ले लिए कि अपना मैटर पूरा आराम से बन जाता है। फिर भी आप चाहें तो इसमें और भी आप ऐड कर लें, ठीक है। कई लोगों ने, हम लोग जब क्लास से पढ़ रहे थे, सर बड़ा होटल है सर तो बार भी होगा सर, बार का इनकम भी लिख दो। लिख दो भाई, आपकी मर्जी है, अपने हिसाब से आप लिखिए, है ना। मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, मैं नहीं पीता तो मैंने नहीं लिखा, ठीक है, मजाक की बात हो गई। आप भी पी रहे होंगे नहीं पी रहे होंगे मुझे नहीं पता, बट लिख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान में रखना है। चलिए जी, फिर हम एक्सपेंसेस के ऊपर आ गए। एक्सपेंसेस के अंदर बहुत कॉमन चीजें हैं, आप लोग जानते हो सब, सैलरी। अच्छा, ये जो पूरा हमारा टॉपिक है ये आपके प्रीवियस चैप्टर का ही कह सकते हो कि एक वापस से एक मिला जुला फॉर्मेशन आ गया।
अगर आपने ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े हुए हैं तो बस वही वाली चीजें तो अपने को लिखनी है यहाँ पे। और क्या कर रहा है, सैलरी को कैसे चेक करेंगे, एम्प्लॉय का रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर है, कैश बुक है, रूम में जो कंज्यूमेबल्स परचेज किए जाते हैं ना, ध्यान में आया, रूम में कंज्यूमेबल्स जो होते हैं वो छोटी छोटी शैम्पू की और बॉटल्स जहाँ पे रखी होती हैं और बॉडी लोशन की बॉटल्स होती हैं जिनको हम बाद में उठा करके घर पे भी ले आते हैं, वे हमारे लिए रखा है तो होटल वाले तो वैसे भी बाहर फेंकेंगे, यूज में ले लिया हमने थोड़ा आधा भरा हुआ है तो बाकी का घर ले जाओ, या घर से लेके गए हैं तो फिर वो हमारे लिए है तो उसको तो घर ले आ जाए, ठीक है, आगे कभी और ट्रैवलिंग में हम जाएंगे तो हमारे लिए काम आएगा। वो कंज्यूमेबल्स की बात हो रही है तो उनका परचेज आप चेक कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे, जैसे नॉर्मल परचेज चेक होती है, तरीके आपको पता है, रिपेयर हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, इन सबको चेक करने के तरीके, रिपेयर को बिल से आपने चेक कर लिया, एडवर्टीजमेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, क्योंकि बड़ा होटल है तो ज्यादा एडवर्टीजमेंट जा रहे होंगे तो किसी ने किसी एजेंसी को हायर किया होगा, बट ऑब्वियस है, तो उसके साथ का कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हो, फिर उनसे जो बिल आया होगा वो देख सकते हो आप लोग, रिसिप्ट हुई होगी वो आप लोग देख सकते हो, बैंक कैश बुक देख सकते हो, वो कटिंग देख सकते हो, किधर रेड आया, न्यूज़पेपर में आया, टेलीविजन के अंदर चलाया, किधर चलाया, मैगजीन के अंदर आया तो मैगजीन का कॉपी होगा, कुछ ना कुछ हमारे पास में जरूर होगा जिससे हम लोग ये चेक कर सकते हैं, बराबर, सिंपल सी बात है, टेंशन नहीं। नाउ एसेट्स को चेक करना हो तो सबसे ही सिंपल है, एसेट्स में फिक्स एसेट है तो फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो, इन्वेंट्री का तरीका 501 में आप लोगों ने ऐसे में पढ़ा हुआ है क्या करना है, ट्रेड रिसीवेबल 9 चैप्टर के अंदर अपन लोग पढ़ चुके हैं कैसे चेक होता है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे उठा के डालिए, बीआरएस वगैरह से, बैंक बैलेंस वगैरह, लाइब्रेरीज, बैंक लोन हमारा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस, प्रोविजन रिजर्व, इन सबसे रिलेटेड पॉइंट्स आप लोगों को लिख देने चाहिए तो आराम से हमारा काम हो जाएगा। तो पॉइंट मेंशन करने का मेरा तरीका यही था कि आप लोग भी जब इसको पढ़ें तो इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स में डाल दो ताकि एग्जाम टाइम अपने को ध्यान रहेगा। अच्छा था ये मेन पॉइंट है, जैसे स्कूल कॉलेज देखो, पहले हमने चेक कर लिया कि इसका फॉर्मेशन सोसाइटी की तरह या ट्रस्ट की तरह ज्यादातर होता है ना, अगर सोसाइटी है तो बायलॉस पढ़ लो, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड चेक कर लो, इनकम कहाँ से होती है, स्टूडेंट की फीस कैसे चेक करनी है, बहुत सारे तरीके हैं, बराबर, यहाँ पे भी रजिस्टर मेंटेन होगा, फीस का चालान होगा, चालान की कॉपी आपके पास होगी, बैंक होगा, सब कुछ है, फिर हॉस्टल रहा होगा तो हॉस्टल की इनकम भी सेम तरीका है, फिर इनकम डोनेशन बहुत आता है स्कूल के अंदर कई बार, तो वो आप देख सकते हैं कि कोई डोनेशन करने वाले का कोई डिक्लेरेशन है क्या, या हमने यहाँ से कोई लेटर लिखा है क्या, उसकी कॉपी चेक हो सकती है, गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रही है तो बहुत आराम से बैंक स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट के ग्रांट लेटर की कॉपी आपके पास पड़ी रही होगी तो वो आप चेक कर सकते हैं, तो बहुत आराम से देख सकते हो, ठीक है। एक्सपेंसेस सेम, सैलरी है, स्कॉलरशिप है, और इलेक्ट्रिसिटी, नए आइटम्स के अंदर अगर देखें तो जैसे स्कॉलरशिप वाला अपना आइटम हो गया, तो स्कूल वाला स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो क्या किसी के डोनेशन के बेस पर दी जा रही है क्या, उसके क्या ग्राउंड्स हैं, कैसे दी जाती है, वो सब चेक कर लो, बाकी सारा आइटम वो के वो है, एसेट्स लाइबिलिटीज सब में लगभग लगभग सेम ही रहती है, वही है, यहाँ इन्वेस्टमेंट खूब हो सकते हैं, और लाइबिलिटीज के अंदर कैपिटल फंड, क्योंकि एनपीओ की तरह से कई बार काम करता है, स्पेसिफिक फंड होते हैं, कॉशन बनी बढ़िया चीज है, लाइबिलिटीज का नया पॉइंट ये जरूर देखिए, ये इसलिए लिखा है मैंने कि आप नॉर्मल पॉइंट के अलावा कोई ना कोई स्पेशल पॉइंट जरूर लिखे, तो सर कॉशन बनी क्या है, कॉशन मनी आप लोग जानते हो, जब स्कूल में आपने एडमिशन लिया, कुछ पैसा भरा और जब स्कूल को छोड़ दोगे तो वो मनी आपको वापस से रिटर्न होती है, एज अ लाइब्रेरी वहां पे पड़ी रहती है वो, तो कॉशन मनी चेक कर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सब है, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सिनेमा का भी दिया है, हॉस्पिटल का भी दिया है, क्लब का भी दिया है, तो जहां से भी आपने पढ़ा हो, है ना, जिस भी बुक से पढ़ा हो, जिसके भी नोट से पढ़ा हो, आप इस तरीके से एक सिंपल फॉर्मेट बना करके रख सकते हैं, और दो तीन आइटम जनरल ले लिए, दो तीन आइटम इनकम के हो गए, दो तीन चीजें एक्सपेंसेस की, दो तीन एसेट की, दो तीन लाइबिलिटीज की, एक चार्ट हमारा तैयार हो गया, जिसपे भी क्वेश्चन आएगा हमारे पास में पॉइंट्स रहेंगे, अगर कोई जनरल क्वेश्चन आ जाता है तो। चलिए जी, तो मैं अब आपको लिए चलता हूँ सीधा 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 लिए चलता हूँ कहाँ पे, क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन बेस्ड रिविजन हमारा मेनली है, तो आइए इस पर बात हम लोग शुरू कर देते हैं, और जैसा आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो देके रखा है क्वेश्चन बेस का, मेंशन द स्पेशल पॉइंट्स इन द केस ऑफ एन ऑडिट ऑफ द एंटिटी फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है उसका, उसे ऑडिट करना है तो कैसे करेंगे, रिकॉर्ड्स पूरे नहीं है, द एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक थ्रू विच एन ऑडिटर कलेक्ट एविडेंस, आप जानते हो हम लोगों के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट, जब भी हम एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं तो हमारा पहला काम ही होता है कि हम रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को देखें ताकि हमारे पास में एविडेंसेस आ जाएं, और अगर यही चीजें इनकम्प्लीट है तो हमारे लिए बहुत कह सकते हो हैंडीकैप हो जाएंगे हम, क्योंकि जब वो इनकम्प्लीट है तो हम ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठे करेंगे कहां से, तो हमने कहा द ऑडिटर मे फेस द सिचुएशन ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, क्यों होता है, सबसे पहला
where records are kept on single entry basis. When books are maintained on single entry basis, then management of the enterprises would be asked to write up the books to the extent possible as they would have been write up under double entry system. Pehla tarika, incomplete records hain aur single entry system mein accounts agar maintain kiye hue hain तो मैनेजमेंट से हम कह सकते हैं, कहा जा सकता है कि सर ऐसा करिए कि आप बुक्स को लिखिए बराबर से, जितना पॉसिबल हो उतना बुक्स को लिखिए और डबल अकाउंट सिस्टम के हिसाब से लिखिए ताकि हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। ये हम उनको जरूर यहाँ पे बताने वाले हैं कि आप लोग ध्यान में रखेंगे बराबर। हाँ, तो अभी अगर डबल अकाउंट सिस्टम से मेंटेन और इनकम्प्लीट है तो क्यों होंगे रीजन? बुक्स तो डबल अकाउंट सिस्टम से है लेकिन जैसा आप लोग देख रहे हो क्लियर, उन्होंने बोल दिया कि हो सकता है कि डिस्ट्रॉय हो गई हो एक्सीडेंटली, या फिर हो सकता है ऑथोरिटीज ने सीज कर दी हो, टैक्स ऑथोरिटीज वगैरह ने सीज कर दिया हो, या किसी और वजह से अनअवेलेबल है, नॉट अवेलेबल। देख रहे हो ना आप लोग, जहां हम सीधा सीधा से कह रहे हैं सर अवेलेबल नहीं है फॉर द ऑडिटर एग्जामिनेशन ड्यू टू सिमिलर रीजन। तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में आइडियल अप्रोच यू जनरल तो हमको पता है कि भी ऑथोरिटीज ने सीज किया है तो हम ऑथोरिटीज से कंफर्मेशन लेकर के फोटो स्टेट इनसे ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां हम उनको बोलेंगे कि भाई मैनेजमेंट को बोलेंगे कि जितना हो सके चीजों को आप रिकंस्ट्रक्ट करके दे दो। जैसे अगर वाउचर्स अवेलेबल हैं, इफ वाउचर्स आर अवेलेबल बट द कैश बुक जनरल लेजर आर नॉट मेंटेन, मतलब वो वहां सीज कर दिया मेंटेन नहीं है, तो इनको लिख दिया जाए जैसा आप लोग देख रहे हो कि भाई चलो आपने मेंटेन किया नहीं किया ओके है, लेकिन इसको लिख दो भैया हमारे लिए, कम से कम इतना तो कर दो आप। ये हम उनको कह सकते हैं, ठीक है। इन एनी केस फॉलोइंग स्टेप्स वुड बी रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एन ऑडिट, और वो स्टेप्स क्या होने वाले हैं उनको भी चेक करते आइए क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले नंबर पे कहा गया असर्टेन दैट द बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर शुड बी प्रिपेयर्ड, और जो भी रिलेवेंट अकाउंट्स हो वो शुड बी ओपन इन द लेजर। भाई ओपनिंग बैलेंसेस के हिसाब से सारे अकाउंट ओपन करिए, लेजर में एंट्री करिए। नॉर्मली अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम कैश बैंक एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन होते हैं, तो उन सारे अकाउंट्स को ओपन कराइए। कंफर्मिंग करिए कि रिसिप्ट साइड के अंदर, तो कैश बुक की रिसिप्ट साइड है उसको लेजर में आपने पोस्ट किया है, भले नए अकाउंट ओपन करने पड़े हो तो किए गए हैं ना। सेकेंड पॉइंट ये कहता है। थर्ड क्या कहता है, जो पेमेंट साइड की सारी एंट्रीज हैं कैश बुक की उनकी भी प्रॉपर लेजर के अंदर पोस्टिंग हुई है, कॉमन सी बात है। कंफर्मिंग दैट ऑल एंट्रीज अपेयरिंग इन बैंक अकाउंट, वो भी लेजर, भाई लेजर पोस्टिंग जो है वो सब के सब चेक करिए अकाउंट खुले कि नहीं खुले। फिर उसी तरह से पर्सनल अकाउंट और ट्रेड रिसीवेबल आपको बोल दिया कि भैया इसको भी एनालिसिस करके देख लो। दिस विल प्रोवाइड विटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, इससे क्या होगा अपने को जब ट्रेड रिसीवेबल देखोगे तो क्रेडिट सेल, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, बी आर रिसीव हुआ, कितना डिस्काउंट हुआ, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो इधर से ही निकल करके आ जाएगी। तो जब ट्रेड रिसीवेबल से आ रही है तो सेम इन्फॉर्मेशन ट्रेड पेबल से आ जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड पेबल है ना, उससे हमारे पास में ये देखो क्रेडिट कितना परचेज हुआ, कितना डिस्काउंट अर्न हुआ, परचेज रिटर्न, बिल, पेबल इशू जो किया, जो डिस्काउंट हो गया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स अपने को कहे गए, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि भाई इस तरह की चीजों को आपको यहाँ पे आंसर में ड्राफ्ट करना चाहिए, तो सर हमने इसको ड्राफ्ट कर दिया बराबर, कोई टेंशन नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बढ़िया क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑडिट प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ एनजीओ। एनजीओ का ऑडिट कैसे करना है? व्हाइल प्लानिंग द ऑडिट ऑफ एनजीओ द ऑडिटर मे कॉन्सेंट्रेट ऑन द फॉलोइंग। अब क्या क्या चीजें कंसिडरेट करो, सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग करते हैं, बट हमेशा हमारा पहला काम ही ये था कि हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने का काम करते हैं कि एंटिटी का नेचर क्या है। तो एनजीओ का वर्क, मिशन और विजन को आप लोग देख लो, पहला काम, ठीक है। सेकंड नंबर लीगल फॉर्म आप लोग देख लो भाई किस तरह का है, मेमोरेंडम, उनके बाय रूल्स, रेगुलेशन वो सारे पढ़ लो। हो सकता है कंपनी फॉर्म में हो, सेक्शन 8 कंपनी पढ़ी ना आपने, तो मेमोरेंडम आर्टिकल्स हमारे पास में होगा, और नहीं तो सिंपल है कि बायलॉज वगैरह है वो देख लो। फिर मिनट्स बुक जरूर देखना चाहिए, सर ये क्या है, डीओडी का एग्जीक्यूटिव बॉडी का मीटिंग हुआ होगा, उसमें बहुत सारे डिसीजन लिए होंगे, कहाँ पैसा लगाना है, कितना लगाना है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर रहे हैं, तो वो सब चीजें यहाँ से अपने को पता लग जाएगी। और फिर अपने को उनका अकाउंटिंग सिस्टम देख लेना चाहिए, हमेशा की तरह इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल टैक्स सिस्टम जरूर देखना चाहिए। तो एनजीओ के ऑडिट में क्या खास चीजें देखने वाले हो आप, सबसे पहले तो हमेशा की तरह मिशन विजन, एरिया कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं वो, सेकेंड उनके बायलॉज वगैरह देख लो, मीटिंग्स के मिनट्स देख लो, तो डिसीजन पता लग जाएगा, और
उनका अकाउंटिंग सिस्टम FRF के बारे में पता लगा लो, उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देख लो, तो बेसिक चीजें तो अपन देखते ही है ना। फिर हमको कहा गया कि क्या क्या चीजों की ऑडिट करनी है, तो आइए ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त कोई एक्सपेंडिचर इनकम जो अपन करते हैं उसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि भी कॉप्स फंड जो हमारे है ना, जो किसी तरह का फंड हमको मिला हुआ है पर्पस के लिए, जैसे आगे ईयर मार्क फंड भी आएगा, ये भी इसी तरह का एक फंड होता है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर दिया गया है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रांट रिसीव टुवर्ड कॉप्स आर वाउच विद रेफरेंस टू द लेटर ऑफ द डोनर, अभी डोनर का लेटर आया होगा तो उस लेटर के हिसाब से इस फंड को हम लोग चेक कर सकते हैं कि कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कितना ग्रांट आया। फिर उसी तरीके से रिजर्व, कई बार कुछ पैसा हमने खर्च किया, कुछ पैसा रिजर्व के अंदर डाला, तो वाउच ट्रांसफर फ्रॉम प्रोजेक्ट प्रोग्राम विद डोनर लेटर एंड बोर्ड रेजोल्यूशन, इसमें हमारे लिए मेन चीज होगी कि कितना रिजर्व में डालना है, तो बोर्ड रेजोल्यूशन जरूर पास किया होगा, वो हमको यहाँ पे देख लेना चाहिए। ईयर मार्क फंड भी हमारा हो गया जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए है। चेक रिक्वायरमेंट्स ऑफ डोनर इंस्टीट्यूशन, अगेन बोर्ड रेजोल्यूशन अपने को देखना है, जो डोनर के इंस्ट्रक्शन से बोर्ड का जो रेजोल्यूशन है, एनजीओ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उस ईयर मार्क फॉर्म से हम क्या क्या स्कीम्स बना रहे हैं वो सब यहाँ से चेक हो सकती हैं। प्रोजेक्ट और एजेंसी बैलेंसेस पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट पे भाई डिसबर्समेंट किया, एक्सपेंडिचर किया, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमने सोचा कि इस प्रोजेक्ट पे हम, जैसे अभी हमने कहा कि सर ये कोरोना की वजह से हम लोग क्या करेंगे, पीपी किट जो है उनको डोनेट करने वाले, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हमने बनाया, तो कैसे डिसबर्समेंट हुआ वहां पे, कितना एक्सपेंडिचर हुआ वो हमने चेक कर लिया, बैलेंसेस चेक कर लिए, ये सब हमको यहाँ पे देख लेना चाहिए। सिंपल सी बात होगी, काफी सारे पॉइंट हमने लिए, तो हमने कहा सर आंसर में इतने पॉइंट लिखने पड़ेंगे, सर आगे इतने आपने और लिखे हुए हैं। देखिए हाँ, आईसीएआर कई बार अपने आंसर में सजेस्टेड में आपको इतने सारे पॉइंट देता है, वो इसलिए देता है क्योंकि 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वो चाहेंगे इसमें से 4-5 पॉइंट जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके हिसाब से लिख दो, वो 4-5 कोई भी हो सकते हैं, इसलिए इतने पॉइंट लिखे हुए, ताकि आंसर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है जिसमें इतने सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़े। जब तक 8 मार्क का कोई क्वेश्चन है तो फिर भी समझ आता है कि 8 पॉइंट्स 9 पॉइंट्स, अदरवाइज 5-6 पॉइंट्स। लोन आपने देख लिया, वाउच लोन विद लोन एग्रीमेंट बना होगा, रिसिप्ट होगी, फिक्स एसेट आप हमेशा की तरह जानते हो कि आपने टाइटल्स चेक कर लिए, जो आपने पढ़ा हुआ है ये तो सब अगेन सेम वही चैप्टर नंबर 9 से प्रोविजन लाओ ना, ओनरशिप के लिए टाइटल आप लोग देख लो, फिजिकल वेरिफिकेशन देख लो, ये सब चीजें अपन देख सकते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह देख लिया, इन्वेस्टमेंट है तो रजिस्टर मेंटेन किया होगा, फिजिकली आप चेक कर सकते हो, टाइटल चेक कर सकते हो, कैश है तो फिजिकल वेरीफाई करना उसको जरूरी होता है, फिर कैशियर से लिखवा के भी ले लो, सब पता है आपको, बैंक बैलेंस BRS बना लो, इसमें मैं आपको क्या बताऊं। इन्वेंट्री अगेन अपना स्पेशल आइटम 501 में पढ़ा हुआ है, स्पेसिफिक कंसिडरेशन देना है तो आपको इन्वेंट्री की टाइम पे वहां पे प्रेजेंट रह सकते हो, फिर आप सर्टिफिकेट देख सकते हो, स्टोर कीपर की चीजों को देख सकते हो, वैल्यूएशन करके देख सकते हो, पर्टिकुलर प्रोग्राम और प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस के लिए उस पूरे प्रोग्राम का जो भी शेड्यूल बनाया गया होगा, तो एग्रीमेंट डोनर के साथ अगर कुछ हुआ है, भाई कोई चैरिटेबल प्रोग्राम कराया तो किसी के साथ मिलकर कराया है तो एग्रीमेंट की कॉपी हम लोग देख सकते हैं, कितना कलेक्शन हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ। फिर एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो है, इसमें हमने कहा कि जो हमारे यहाँ पे मान लो एम्प्लॉयज वगैरह काम कर रहे हैं हमारे एनजीओ में, उनका जो PF है, उनका जो इंश्योरेंस का पैसा है वो, तो बट ऑब्वियस उन सबको चेक करने के लिए हमारे पास तरीका है, बैंक में पैसा गया होगा, इंश्योरेंस की रिसिप्ट हमारे पास होगी, सेम प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराया होगा तो रिसिप्ट हमारे पास में होगी, बाकी एक्सपेंसेस जो है पोस्टेज स्टेशनरी ट्रैवलिंग, इन सबको भी देखा जा सकता है, ये कॉमन पॉइंट है आप लोगों को पता है। इनकम जो आई है उसको चेक करने के तरीके बहुत सिंपल हो गए, सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ग्रांट फॉर प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम, तो अगर कहीं से गवर्नमेंट का कोई ग्रांट है या कोई डोनेशन आया है तो फिर से वही डोनर का लेटर आपने देख लिया। रिसीव फ्रॉम फंड अराइजिंग प्रोग्राम, अभी मैंने ऊपर ही आपको बता दिया कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देख लो, जैसे कोई प्रोग्राम अरेंज किया तो टिकट्स वगैरह बनाए होंगे, तो वो टिकट्स सीरियल नंबर से थे कि नहीं थे प्रॉपर तरीके से, मनी कलेक्शन करने वाला कौन था, मोड ऑफ रिसीव किया था बैंक में, ये देखो डिपॉजिटेड इन द बैंक, डेली पैसा जमा हुआ कि नहीं हुआ, ये सारे पॉइंट्स देखे जा सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द मेंबरशिप फीस, बट ऑब्वियस है मेंबरशिप का रजिस्टर होगा, उसके हिसाब से फीस डिसाइडेड होगी, एनुअल फीस आप ले रहे हो या किस तरीके से फीसें ले रहे हो, वो सब रजिस्टर से और रिसिप्ट से आपको पता लग जाएगा। सब्सक्रिप्शन जो आ रहे हैं उसमें भी उसी तरीके से, कोई मैगजीन है, सर्कुलर है, पीरियडिकल जा रहे हैं, तो इसका भी सब्सक्रिप्शन का रजिस्टर बना हुआ होगा, रिसिप्ट होगा, उनसे आप लोग चेक कर सकते हो। और इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है, चेक द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे होंगे तो इंटरेस्ट और डिविडेंड आपको मिल रहे होंगे, तो जो इन्वेस्टमेंट हेल्ड किए उसके हिसाब से आपको बहुत आराम से पता लग जाएगा। तो इतने सारे पॉइंट जो है वो इस हिसाब से हमारे देखे जा सकते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कहता है,
देखिए इस बार डायरेक्टली आपको बोल दिया, मेंशन एनी एट स्पेशल पॉइंट विच यू एज एन ऑडिटर वुड लुक इन टू वाइल ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब भी आप पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कर रहे होंगे तो कौन से वो स्पेशल पॉइंट हैं उन पे ध्यान देना है, 8 पॉइंट आपको बोले। अभी आपने पार्टनरशिप पढ़ा है तो बहुत ईजी है। अच्छा मैं एक और सजेशन आपको दूंगा, जब भी आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो या वीडियो को भी देख रहे हो तो हर क्वेश्चन का आंसर पहले आप खुद लिखना, समझ रहे हो, पहले खुद ड्रॉ करना रफ में कि भाई कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, और देन उसके हिसाब से फिर अपना जो आंसर है वो आप ग्राफ यहाँ से चेक करना कि कितने पॉइंट्स हमने सेम लिखे, कितने पॉइंट्स हमारे डिफरेंट हो गए, ये जरूर करना आप लोग, तभी मजा आएगा। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले नंबर पे तो ऑडिटर को अपना लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट चेक कर लेना चाहिए कि भैया क्या क्या एरिया मुझे दिया है आपने, क्या क्या मुझे काम करना है, ये सब देख लेना चाहिए। सेकेंड नंबर, हमेशा की तरह ऑडिटर शुड वेरीफाई पार्टनरशिप डीड, आपको डीड देख लेना चाहिए, बहुत सिंपल काम हमारा हो गया। इससे कैपिटल का कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कुछ पता लग जाएगा। तीसरे नंबर पे मिनट्स बुक चेक कर लेनी चाहिए ताकि जो पार्टनर्स लोगों ने डिसीजन मेकिंग किया है, ऑथोराइजेशन किस पार्टनर को क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, लोन का, एसेट परचेज का, वो सब कुछ आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो मीटिंग्स के मिनट्स को देखना चाहिए। फिर देखना चाहिए कि जो आपका बिजनेस है जिसमें आप एंगेज हैं वो एग्रीमेंट के हिसाब से है कि नहीं है, कि एग्रीमेंट पे अगर क्लॉथ बिजनेस लिखा है तो कहीं क्लॉथ की जगह आपने हैंडीक्राफ्ट तो चालू नहीं कर दिया, तो वो अपने को देख लेना चाहिए। फिर हमको देख लेना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी रीजनेबल है कि नहीं, जैसा हमेशा करते हैं FRF चेक करते हैं वो प्रॉपर हमारा है कि नहीं है। फिर ये भी देखो कि कोई पार्टनर जो है वो डीड के अगेंस्ट में जाके कुछ काम तो नहीं कर रहा है। हमने कहा कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं करोगे, वो पार्टनर कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर रहा है या डीड के प्रोविजन वॉलेट हो रहे हैं, वो भी अपने को चेक कर लेना चाहिए। फिर टैक्स चेक कर लीजिए, फॉर्म्स टैक्स कंफर्मिंग दैट जो टैक्स पेबल के प्रोविजन है वो प्रॉपर तरीके से बने हुए हैं, नहीं बने हुए हैं बराबर, और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जा रहा है नहीं जा रहा है, ये चीजें अपने को देख लेनी चाहिए। तो 8 पॉइंट कोई भी हो सकते थे, है ना। तो मेन चीज क्या हो गई, पार्टनरशिप सबसे पहले तो आपने अपना, या आप नॉर्मली भी लिख सकते हो भी, फर्स्टली तो आपको पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस चेक कर लेना चाहिए कि उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं कि नहीं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उनका चेक कर लो फॉर्म का, अभी मान के चलते बड़ी फॉर्म है तो इंटरनल कंट्रोल चेक कर लिया। फिर हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ ली, उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। फिर हमने इनकी मीटिंग के मिनट्स वगैरह पढ़ लिए, ठीक है। फिर हमने देख लिया कि भाई टैक्स के प्रोविजंस प्रॉपर है कि नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका FRF क्या है, ये सब अपने मेन पॉइंट्स इसके अंदर हो सकते हैं तो लिखना है। और सबसे बड़ा सजेशन मैं दूंगा कि इसमें क्या करिए कि पूरा लाइन लिखिए, सिंपल लिख दिया ऑडिटर शुड वेरीफाई बुक्स ऑफ अकाउंट, नहीं, ऑडिटर शुड वेरीफाई बुक्स ऑफ अकाउंट, उसके आगे भी लिखिए कि दे आर मेंटेन एज पर FRF और नॉट। इस तरह से पूरा जो है वो लाइन जब तक आप नहीं लिखेंगे, लैंग्वेज आप प्रॉपर नहीं लिखेंगे, तब तक अपने को मार्क्स मिलने वाले नहीं है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखें। चलिए जी नेक्स्ट पे आ जाता हूँ। बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। एन NGO ऑपरेटिंग इन दिल्ली हैड कलेक्टेड लार्ज स्केल डोनेशन फॉर सुनामी विक्टम्स। NGO है दिल्ली का, सुनामी विक्टम्स के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता है इनके पास में, डोनेशन था। द डोनेशन सो कलेक्टेड वर सेंट टू डिफरेंट NGO ऑपरेटिंग इन तमिलनाडु फॉर रिलीफ ऑपरेशन। तो पैसा ये इकट्ठा कर रहे हैं वो तो तमिलनाडु भेजा जा रहा है, बहुत सारे दूसरे जो सुनामी वाले हैं वहां पे जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी रिलीफ के लिए NGOs को दिया जा रहा है। दिस NGO ऑपरेटिंग दिल्ली हैज अपॉइंटेड यू टू ऑडिट इट्स अकाउंट फॉर द ईयर इन विच कलेक्टेड एंड रेमिटेड डोनेशन फॉर सुनामी विक्टिम्स, बराबर। ऑडिट प्रोग्राम बनाना है और इसमें आपको क्या करना है, रिसिप्ट ऑफ डोनेशन, तो ये रिसीव कर रहे हैं और जो तमिलनाडु में डिफरेंट एंटिटीज को भेज रहे हैं उसका आपको ऑडिट करना है, और दोनों के लिए छह छह पॉइंट आपको लिखने को इन्होंने बोला है। मतलब पैसा जो डोनेशन रिसीव हो रहा है उसको भी चेक करने के 6 पॉइंट, और जो पैसा जा रहा है वापस से दे रहे हैं उसके भी 6 पॉइंट आपको लोगों को लिखने के लिए बोला। तो बहुत सिंपल है और नए पॉइंट सोचना है इसमें, मैंने जैसा कहा था वो तरीका काम में लेना। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करिए सबसे पहले, तो हमेशा हम लोग यही करते हैं। अब इसमें खाली इतना मत लिखिए कि ऑडिटर शुड चेक द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, बराबर पूरा लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू। अब आप इसको लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, किस बात का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखना है, कलेक्शन ऑफ डोनेशन प्रॉपर है कि नहीं है, देखो आप लोग ये देखो कलेक्शन ऑफ डोनेशन ऑथोराइज बंदा ही कर रहा है ना। रिसिप्ट बुक किसकी कस्टडी के अंदर है, कहीं ऐसे ही कोई मंथ से रिसिप्ट काट करके पैसा तो नहीं उठा रहा है, पर मनी किसकी कस्टडी में बैंक में जाती है नहीं जाती, इससे रिलेटेड ICS अपने को देखना चाहिए।
अगेन इसी का सेकेंड पार्ट, रिसिप्ट बुक का कस्टडी ऑथोराइज पर्सन के पास में है कि नहीं है वो चेक कर लो, ठीक है। अनइश्यूड रिसिप्ट बुक, अनयूज वाली किसके पास में रहती है, वो उठा के नहीं लेके चला गया अपने मोहल्ले में घुमा घुमा के पैसा बना के जेब में डाल लिया, प्रॉपर वेरीफाई करना चाहिए। रिसिप्ट बुक पे प्रॉपर सीरियल नंबर है कि नहीं है, सीक्वेंस इन नंबरिंग देखो, ताकि रिसिप्ट कोई बीच में से गायब नहीं हो जाए, कोई पर्सनल पैसा नहीं अर्न कर ले, ये ध्यान रखना चाहिए। फिर जो चेक इश्यू हुए हैं तो प्रॉपर तरीके से बैंक में डिपॉजिट हुए कि नहीं हुए, प्रॉपर डिटेल्स उसकी भरना चाहिए। रिसिप्ट ऑफ चेक अगर जो है बराबर प्रॉपर पर्सन ने साइन किया, रिसिप्ट बुक इशू हुई है, वो सब देखना चाहिए। और इसके लिए BRS अपन देख सकते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन जरूर देखो, रोज का कैश भी जमा करवा रहे होंगे, बस चेक से पैसा आया होगा, ये अपने को देखना चाहिए। फिर कैश रिसिप्ट जो हुआ है उसके लिए कैश डोनेशन जो आ रहे हैं, छोटे छोटे डोनेशन आए तो BRS से बहुत कुछ पता लग जाएगा, लेकिन वो वही पता लगेगा जो बैंक में जमा कराया। कैश डोनेशन के लिए अगर एड्रेसेस अवेलेबल हों कुछ डोनर के, तो आप उनसे थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो है वो आप देख सकते हैं, अमाउंट चेक कर सकते हैं, डेट या रिसिप्ट नंबर टैली कर सकते हैं, अपने को ध्यान रखना चाहिए। और फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स अगर हैं तो देख लें कि भाई फॉरेन का जो अमाउंट आ रहा है तो उसके लिए जो मनी एक्सचेंज के लॉज रेगुलेशन बने हुए हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया गया या नहीं किया गया है, ये अपने को यहाँ पे जरूर देख लेना चाहिए। बराबर, तो पैसा भेजने के लिए क्या करना है, जो भेजा उसके लिए क्या क्या देखोगे, 6 पॉइंट उसके बोले। सबसे पहला तो मोड क्या है पैसा भेजने का, चेक से भेज रहे हो कि डिमांड ड्राफ्ट से भेज रहे हो, किससे भेज रहे हो, सबसे पहले तो ये चेक करो। फिर चेक करो जो पैसा भेजा उसकी रिसिप्ट आई कि नहीं आई वापस उससे हमारे पास में। फिर वो जो NGO को पैसा भेजा है वो जेन्युइन है कि नहीं है, भाई उनका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करो, उनका 80G में टैक्स में आप पढ़ते हो जो एग्जम्पशंस मिलते हैं अपने को इसके अंदर, तो 80G के अंदर जो बेनिफिट मिल रहा है उसके लिए उनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, वो सब अपने को यहाँ पे देख लेना चाहिए। फिर डायरेक्ट कंफर्मेशन भी, जैसा मैंने कहा कुछ डोनेशन जिन एंटिटीज को भेजे, यहाँ डाउट हो सकता है ना कि फर्जी एंटिटीज तो वहां खड़े नहीं कर दिया आपने, तो उनसे कंफर्मेशन आप ले सकते हो। ये भी चेक करो कि सुनामी के यूज में ही आ रहा है ना वो, जिस पर्पज के लिए हमने दिया था, और कहीं यूज भले ही डोनेशन के लिए यूज हो रहा हो, जहां भेजा वो भी चैरिटी के काम में ले रहे हैं, लेकिन हमारा पर्पज ही यहाँ पे सुनामी वालों के लिए था, तो वहां पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर ये पॉइंट तो स्टार्टिंग में डालना चाहिए कि NGO के सिलेक्शन का तरीका क्या है, क्या किया आपने, किस बेसिस पे आपने NGO सेलेक्ट किया, यहाँ वो अपना पॉइंट लगता है। कहीं रिलेटेड पार्टी का कोई NGO तो नहीं है जिसको बेनिफिट देने के लिए यहाँ से पैसा उसको जानबूझ करके भिजवा दिया गया वगैरह, इसलिए ये सब चीजें देखी जाती है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। बराबर है, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं मैं, ताकि फटाफट से रिवीजन वाला पार्ट है तो आपको पता लग जाए कि क्या क्या चीजें एग्जाम में आती है, क्या क्या होता है। What special step will you take into consideration in auditing the receipt from entity fees of an amusement park बना हुआ है? Mention any 4 points specific to the issue. Simple, 4 चीजें आपको बतानी है receipt की, जो amusement park है, मनोरंजन पार्क जो है उसमें क्या इनकम होती है, उससे रिलेटेड 4 पॉइंट आपको लिखना है। तो सिर्फ क्या बोला, ऑडिट ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम एंट्री फीस, सिर्फ एक चीज के 4 पॉइंट, एंट्री फीस से जो पैसा आ रहा है उसकी ऑडिट करिए। तो सबसे पहला काम तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देख लो भाई, कलेक्शन ऑफ मनी और जो गेट पे बंदा रहेगा उसका रोटेशन होता है कि नहीं होता है स्टाफ का, बराबर। फिर टिकट्स जो है उनपे नंबरिंग है कि नहीं प्रॉपर, जैसे ऊपर चेक किया था वैसे ही। फिर जो पैसा आ रहा है वो बैंक में जाता है कि नहीं जाता है सेम डे या नेक्स्ट डे के ऊपर। और फिर कुछ एनालिटिकल रेशियो लगा के देखो, एनालिटिकल रेशियो सर यहाँ कैसे काम आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। वीकेंड्स के ऊपर हमारी इनकम क्या रहती है, हॉलीडेज के ऊपर इनकम क्या है, उसको आप कंपैरिजन कर सकते हो प्रीवियस वाले सीजन से। तो ये हमारा वाटर पार्क है, जून जुलाई में पिछले साल इतना था, इस साल इतना है, कंपैरिजन करके आपने देख लिया, तो एनालिटिकल प्रोसीजर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। सिंपल 4 पॉइंट आपसे पूछे थे, 4 आपने लिख दिए, आराम से लिख सकते हो, टेंशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आए, द जनरल ट्रांजेक्शन ऑफ अ हॉस्पिटल इंक्लूड पेशेंट ट्रीटमेंट, कलेक्शन ऑफ रिसिप्ट, डोनेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। You are required to mention special point for consideration while auditing such transaction of a hospital. Hospital के लिए पूछ लिया। Same mock 19 में भी क्वेश्चन आया, सेम टू सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। और बढ़िया चीज आपको बताऊं, ये क्वेश्चन नवंबर 19 में भी आया, मैंने ले रखा है यहाँ पे, ये देखो। You have been appointed auditor of Divine Children Hospital. Discuss any 4 important points that would attract your attention while audit. समझ रहे हैं आप बात को, तो हॉस्पिटल के ऑडिट के पॉइंट्स पूछे गए हैं, आइए देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो सेम लास्ट वाला क्वेश्चन भी सेम ही है, रजिस्टर ऑफ पेशेंट सबसे पहला, मैंने वहां जो चार्ट आपको दिया उसमें भी देखे रखा है ये।
वाउच द रजिस्टर ऑफ पेशेंट विद कॉपीज ऑफ बिल इशू जो हमने किया, वेरीफाई बिल फॉर अ सेलेक्टेड पीरियड विद द पेशेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड टू सी दैट बिल जो है वो प्रॉपर तरीके से तैयार हुए कि नहीं हुए। कुछ कुछ बिल्स को हमने चेक कर लिया बीच में से निकाल करके, सारे पेशेंट को इशू हुए हैं और हॉस्पिटल के रूल्स के हिसाब से इशू हुए हैं, तो सबसे पहला तो पेशेंट का रजिस्टर चेक करना चाहिए। फिर कैश का कलेक्शन, कैश बुक आपने चेक कर ली, पैसा आया होगा तो बिल बनाया होगा, बिल बुक चेक कर लिया, रिसिप्ट का काउंटर फॉइल आपके पास में होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे अपने को देख लेनी चाहिए। बहुत सिंपल है, यही मैंने आपको कहा, पेशेंट के बिल की कॉपी है बराबर, ये सब चीज़ें काउंटर फाइल पड़ी होगी, ये सब चीज़ें देखना चाहिए। फिर इनकम का एक बड़ा सोर्स है, डोनेशन आया होगा कहीं से किसी का, लेकिन चीज़ का मतलब कई बार होता है कि पर्सन मरने के बाद भी अपनी वसीयत में चीज़ें जो है वो हॉस्पिटल के नाम छोड़ के रखे गए, जो भी कुछ हो डोनेशन वगैरह आया, तो उसके लिए जो भी तरीका आप किस पर्पज के लिए आया, कई बार किसी पर्पज के लिए आता है, जैसे ऑपरेशन थिएटर के लिए मरने वाला पैसे छोड़ के गया है, या जिंदा आदमी भी है तो डोनेशन दे रहा है, तो उसके लिए डोनर का कोई लेटर आया हुआ है, आपका कोई लेटर उसके साथ में गया है, और तो उसकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन आए हैं, वो सब अपने को यहाँ पे चेक करने चाहिए, ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन, रिकंसिलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, ट्रेस ऑल कलेक्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन फ्रॉम कैश बुक, सेम पॉइंट हो गया, टू रेस्पेक्टिव रजिस्टर, रिकनसाइल द टोटल सब्सक्रिप्शन जो भी हमारा हुआ एज शोन बाय द सब्सक्रिप्शन रजिस्टर एंड अमाउंट कलेक्टेड एंड टिल आउटस्टैंडिंग कितना अभी तक पड़ा हुआ है, वो सब अपने को यहाँ पे देख लेना चाहिए। और सेंक्शन जो भी वाउच ऑल परचेज और एक्सपेंसेस हुए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर है तो प्रॉपर तरीके से सेंक्शन किसकी है, वो हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रस्टी होते हैं, मैनेजिंग कमेटी होती है, उनकी तरफ से प्रॉपर है कि नहीं है, एंड देयर अपॉइंटमेंट एंड इंक्रीमेंट टू स्टाफ जो है वो भी प्रॉपर तरीके से ऑथोराइज है कि नहीं है, तो एसेट्स खरीदी है तो प्रॉपर ऑथोराइजेशन से सेंक्शन हुआ है, कुछ अपॉइंटमेंट नहीं हुए, इंक्रीमेंट वगैरह स्टाफ को दे रहे हैं तो प्रॉपर ऑथोरिटी से हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे जाने चाहिए। यहाँ आपको एक और चीज बता दूं, जैसे ये क्वेश्चन हुआ तो ये पॉइंट तो हमारे, आप इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी लिखा जा सकता है यहाँ पे, हॉस्पिटल में चीजें रेंट इन्वेस्टमेंट भी होते हैं उनके, प्लस चीजें कुछ जैसे मेडिकल वाले को रेंट पे दे दिया या कुछ जगह जो है वो रेंट पे दे दी और उसकी इनकम आ रही है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लिखने चाह रही थे लेकिन उन्होंने पूरा, लेगेसी डोनेशन हो गया, रिकंसिलेशन हो गया, ये भी हो गया, ये देखो ग्रांड एंड टीडीएस हो गया, फिर जो बजट्स बना के रखे हुए होंगे उनको चेक कर लो, इंटरनल चेक कर लो, इंटरनल टैक्स सिस्टम, डेप्रिसिएशन, अच्छा अलग अलग रजिस्टर्स, बॉन्ड्स के, शेयर के, इन्वेस्टमेंट के रजिस्टर चेक कर लो, इन्वेंट्री का पॉइंट आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो आपने पढ़ा भी है जैसा सब में लिखते हो, तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, और जैसा आप लगातार देख रहे हो 4-5 पॉइंट से ज्यादा एग्जाम के अंदर आने वाले नहीं है, तो ये बहुत आराम से हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है जी। चलिए जी, दो आखिरी क्वेश्चन बचे हुए, 7th और 8th, लीज एग्रीमेंट आपसे पूछ लिया, दो तरह के लीज बताओ भाई, ये तो अकाउंट्स के अंदर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, दो तरह की लीज हमारे पास है, आपको समझाने को बोला है, फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज, एक लेसी होता है एक लेजर होता है आप जानते हो, और फाइनेंस लीज के अंदर लीगल ओनरशिप जो है वो तो लीजिंग कंपनी के पास ही रहती है, पर्टिकुलर पीरियड पे वो बंदा जो है वो चीजों को यूज लेता है, और जैसे ही टाइम पीरियड खत्म होगा ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, आप परचेज करने का भी राइट रखते हैं, आप चाहें तो आगे इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, ये सब चीजें आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है जो आपको पता है। और जो लीज फाइनेंशियल लीज नहीं है वो हमारी ऑपरेटिंग लीज होती है, और इसके अंदर भी आप जानते हो कि सिंपल एग्रीमेंट वेयर रिटर्न फॉर रेंट द लेजर अलाउ लेसी टू यूज एसेट फॉर ए सर्टेन पीरियड, है ना, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए चीजों को यूज करने का राइट आपके पास में आ जाता है, तो ऑपरेटिंग लीज इज अ लीज अरेंजमेंट अदर देन फाइनेंस लीज जो होती है वो ऑपरेटिंग लीज है। तो एस में जो आप इनका थ्योरी पढ़ते हो वो यहाँ पे आपको लिखना है सीधा सीधा सा, तो मैंने बहुत फास्ट ले लिया क्योंकि आप ऑलरेडी अकाउंट्स के अंदर इसको करते ही हो, वो लिखना है। फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का जब ऑडिट कर रहे हो तो क्या चीजें अटेंशन शुड बी पेड बाय द ऑडिटर रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, जब देखोगे तो क्या क्या चीजें ध्यान रखोगे, इस पे स्पेशल पॉइंट पूछ लिए। तो पहला पॉइंट हमने लिख दिया, वाउचिंग पेमेंट ऑफ ग्रांट ऑल्सो, पेमेंट ऑफ ग्रांट ऑल्सो वेरीफाइंग दैट ग्रांट जो आप दे रहे हो हैव बीन पेड ओनली फॉर ए चैरिटेबल पर्पज, हमने क्या कहा ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर आइटम, तो ये चैरिटेबल एक्सपेंडिचर जब किसी को पैसा सेंक्शन कर रहा है, ग्रांट दे रहा है, तो प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, उसके लिए हमारे ऑब्जेक्ट्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और उसके अलावा प्रॉपर इन लोगों से ऑथोराइजेशन मिला कि नहीं मिला, ट्रस्टी, डायरेक्टर, मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर, ये सब अपने को ध्यान रखना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए, इसमें पॉइंट और नया डाल दिया, नो ट्रस्टी, डायरेक्टर, मेंबर, मैनेजिंग कमेटी हैज बेनिफिटेड देयर फ्रॉम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब
सेंक्शन हुआ है प्रॉपर तरीके से, ग्रांट प्रॉपर दी गई, लेकिन वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अपना हुआ करता है ना, कि इनमें से किसी को कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर्सनल बेनिफिट तो नहीं दिया गया, ये अपने को चेक करना चाहिए। वेरीफाई द शेड्यूल ऑफ सिक्योरिटीज हेल्थ। अब बट ऑब्वियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अगर कोई सिक्योरिटीज आपने ले रखी है तो एज वेल एज इन्वेंट्रीज ऑफ प्रॉपर्टीज बोथ मूवेबल इमूवेबल, तो आप उनको फिजिकली भी देख सकते हैं, उनका टाइटल डीड आप देख सकते हैं बराबर। मूवेबल अगर है तो सैम्पलिंग टेस्ट बेसिस के ऊपर देख सकते हैं, अपने को ध्यान रखना चाहिए ठीक है। फिर उसके बाद में चेक पेमेंट अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे सैलरी है, अदर एक्सपेंसेस है, उन सबके सपोर्टिंग। अब इसमें एक्सपेंसेस पूछा है तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सैलरी हो गया, कहीं रिपेयर मेंटेनेंस हमारा हो गया, सारे एक्सपेंडिचर आ जाएंगे ठीक है, सबके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपने को पता है। कंसीडरिंग दैट एनी फंड कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर ए स्पेशल पर्पज के लिए, अगर कोई फंड आया है तो एनजीओ का आपने ऊपर लिखा था सेम ही है, वो वहीं पे खर्च हुआ है। और कैश बैंक के जो पेमेंट्स हैं वो कैश बैंक बुक देख सकते हैं, डीआरएस बना करके आप लोग देख सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ नया पॉइंट जैसा अपना कुछ भी नहीं है ना। हम सोचें कि सर इस चैप्टर में तो बहुत अजीब अजीब सी चीजें हैं, कुछ भी नहीं है, जितना पहले आपने पढ़ा वो सब का सब यहाँ पे काम आएगा। बस ध्यान रखें कि इनका जब भी ऑडिट प्रोग्राम आप बनाएं तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेशल पॉइंट हम लोगों को जरूर इंक्लूड कर लेने चाहिए, ताकि हमारे मार्क्स जो है वो हमको बहुत अच्छे मिल जाए, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखने वाले हैं। चलिए जी, तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर बहुत फटाफट में डिस्कस हो गया, और आप देखो मेन मेन पॉइंट मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिए थे कि क्या क्या चीजें अपने को देखनी चाहिए, सब आगे जैसे क्लब का आप देख सकते हो, सोसाइटी फॉर्म में है, कंपनी है, क्या क्या देखना है, एडमिशन फीस, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फी, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रिपेयर, एसेस लाइब्रेरी जैसा बाकी मेरा वैसा यहाँ पे भी है, तो सबका मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इवन हॉस्पिटल का भी लिख दिया, ये देखो पेशेंट का फीस चेक करो, फिर हॉस्पिटल में जो डोनेशन आता है, मेडिकल का जो खर्चा होता है, लैब का जो फीस है, मेडिकल से मतलब जो इनकम होती है, लैब फीस की जो इनकम होती है, एक्सपेंडिचर में जो हॉस्पिटल खुद मेडिसिन परचेज करता है, जो केमिकल्स काम में आते हैं वहां पे भी कंज्यूमेबल्स की जरूरत पड़ती है, सैलरी, रिपेयर, सब कुछ। एसेट्स के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग होती है जनरली, किराए पे है तो रेंट डीड चेक हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ऑपरेशन थिएटर कई बार अलग से एसेट की तरह ट्रीट होता है वो देख लो, स्टाफ को जो लोन देते हो कैश बैंक है, और लाइब्रेरीज के अंदर फिर से वही कैपिटल और करंट लाइब्रेरीज, प्रोविजन, लोन, मतलब कुल मिला के चीजें वो की वो है, ज्यादा कुछ खास बात टेंशन की बात नहीं है। तो जरूर आप इसको देख लीजिएगा, और ये नोट्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो जिससे आप अगर जरूरत है तो आराम से इसको पढ़िएगा, अदरवाइज जिधर से भी पढ़ रहे हो बढ़िया पढ़ रहे हो, अच्छे से इसको तैयार करिएगा। चलिए इतना आज के लिए करिए, और नेक्स्ट हम लोग सी का सीरीज पहले कंप्लीट कर देंगे 13 चैप्टर के क्वेश्चन, और उसके बाद लेंगे लास्ट में हमारा बैंक ऑडिट का टॉपिक। थैंक्स अ लॉट।